गाइज, हम सभी लोगों की लाइफ में लकी और अनलकी मोमेंट्स तो होते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के ऐसे लकीस्ट लोगों को देखा है जिन लोगों को देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे और आपके मुंह से यही वर्ड्स निकलेंगे कि भाई इससे अच्छा लक तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, लकीस्ट पीपल कॉट ऑन कैमरा, जिसमें सबसे पहली वीडियो क्लिप है जहां पर ये तीन लेडीज सड़क क्रॉस करने के लिए गाड़ी के आगे से निकल के जाती हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए ये सभी लेडीज अपने राइट साइड में देखते हुए जा रही थी, लेफ्ट में तो इनमें से किसी ने भी देखा भी नहीं था। जैसे ही ये सड़क के किनारे पर पहुंचती ही हैं, वैसे ही इनके बिल्कुल पास से एक गाड़ी निकल के जाती है। अगर यहीं पर एक सेकंड भी इधर उधर हो जाता तो यहाँ बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। नेक्स्ट है जहाँ पर ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए लड़के के सामने एक स्टंट करता है, लेकिन स्टंट करने के चक्कर में इस लड़के के सर पर ये फोन लग सकता था, फिर करता रहता बेड पर लेटे लेटे अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस। यहाँ पर ये कार पेड़ गिरने से जस्ट एक सेकंड पहले ही आगे बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर ये कार एक सेकंड भी लेट होती तो शायद ये पेड़ कार के ऊपर ही गिर जाता और फिर उसके बाद कार का क्या होता ये तो हम सभी लोगों को पता ही है। यहाँ पर ये बंदा बर्फ के ऊपर से स्लाइड करता हुआ जा रहा था, तभी अचानक से इसके वजन से बर्फ का एक टुकड़ा नीचे नदी में गिर जाता है और ये तुरंत ही उस बर्फ के टुकड़े से जंप करके आगे वाले बर्फ के टुकड़े पर चला जाता है। तो गाइस, इससे ज्यादा लकीस्ट पीपल और कौन हो सकता है। यहाँ पर ये भाई साहब अपनी बाइक से स्टंट कर रहे थे, लेकिन स्टंट करने के चक्कर में इनकी बाइक इनके हाथ से ही छूट जाती है, लेकिन इनका लक इतना ज्यादा तेज था कि बाइक गिरने की वजह सीधी चलती चली जाती है और फिर ये भाई सब अपनी बाइक को दौड़कर तुरंत ही पकड़ लेते हैं। ये बंदा दीवार को तोड़ने के लिए रस्सी से पकड़कर खींचता है, लेकिन दीवार का वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से जब ये दीवार टूटकर छत के ऊपर गिरती है तो उसी के साथ साथ छत भी टूट जाती है, लेकिन यहाँ पर इस दीवार को तोड़ने वाला व्यक्ति भी बहुत बहुत बच जाता है। यहाँ पर आप इस ई रिक्शा ड्राइवर के स्टंट को देख सकते हैं कि किस तरह से इस ड्राइवर ने अपने ई रिक्शा को गिरने से बचाया। इसका ये ई रिक्शा गिरने ही वाला था, लेकिन फिर भी ये अपने ई रिक्शा को बचा ही लेता है। यहाँ पर ये सभी वर्कर्स छत बनाने के लिए छत के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से छत के ऊपर से ये सारी की सारी कॉन्क्रीट नीचे जमीन पर निकल जाती है और ये सारे के सारे वर्कर्स पोल पकड़ के खड़े हो जाते हैं। अगर ये वर्कर्स भी इस जाल के ऊपर खड़े होते तो शायद ये नीचे भी गिर सकते थे। ये बंदा कुल्हाड़ी को बोर्ड में मारता है, लेकिन अचानक से यही कुल्हाड़ी वापस होकर इसी के पास चली आती है। वो तो सोकर था कि कुल्हाड़ी को वापस आते हुए इस बंदे ने देख लिया, वरना तो शायद यही कुल्हाड़ी इसके सर में भी जाके लग सकती थी। और कुल्हाड़ी के वापस आने के बाद इस बंदे ने उसको कैच भी पकड़ लिया। अब गाइस, इस बंदा हॉर्स के ऊपर से घूमने के बाद फिर वापस से हॉर्स के ऊपर ही बैठ जाता है। गाइस, इस चीज को कोई जादू कहेंगे या फिर इसका लक कहेंगे कि ये इस घोड़े के ऊपर से गिरने से बच गया। और गाइस, हम सभी लोगों को पता ही है कि कांच एक ऐसी चीज होती है जिसे आप कहीं भी किसी ठोस चीज के ऊपर मार देते हैं तो वो कांच टूट जाता है, लेकिन इस वीडियो में ये पूरा का पूरा कांच का टुकड़ा टेबल के ऊपर गिर जाता है, लेकिन फिर भी इस कांच के टुकड़े में एक क्रैक तक नहीं आता है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोबो ओपिनियन ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, जो कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आप यस या नो में आंसर देकर पैसे कमा सकते हैं, जिसे आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसमें साइन इन करना भी बहुत ही आसान है। आपको अपने नंबर से इसमें साइन इन कर लेना है, जिसमें साइन अप करते ही आपको 25 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलता है जिसको लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं। और आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट, बॉलीवुड और क्रिप्टो करेंसी के अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे ही आप इसकी होम स्क्रीन पर जाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन शो होने लगेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या अप्रैल मंथ में बिटकॉइन 3% से ज्यादा का रिटर्न दे पाएगा। यहाँ पर आप यस के लिए 3.5 रुपए लगाकर और नो के लिए 6.5 रुपए लगाकर जवाब दे सकते हैं। अगर आपका आंसर सही होता है तो आप पैसे अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी स्लाइडर को इंक्रीज और डिक्रीज करके यहाँ पर आप क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो आप ज्यादा क्वांटिटी लगाकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इससे आपके दो फायदे हैं, जवाब देने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और दूसरा आप अपने नॉलेज का यूज करके पैसे कमा सकते हैं। और प्रोबो में आप इजिली UPI के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट में भी पार्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर आप 25 रुपए लगाकर 10,000 रुपए तक जीत सकते हैं। जैसे अगर आप किसी टीम के स्कोर को प्रेडिक्ट करते हैं और आपकी प्रेडिक्शन सही निकलती है तो आप इससे 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं। तो गाइस, प्रोबो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रक स्लिपी रोड पर गोल गोल घूमता हुआ पीछे की तरफ चला आ रहा था। रोड चिकना होने की वजह से ये ट्रक उस पर चल ही नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही ये ट्रक इस ब्लू कलर की कार के पास में आता है वैसे ही ये ट्रक स्लिप होना बंद हो जाता है। अगर ये ट्रक यहाँ से फिर से स्लिप होता तो ये ब्लू कलर की कार पूरी तरह से डैमेज हो सकती थी।
ये बंदा छत के ऊपर लगी हुई मिट्टी को छुटाने जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये उसे छुटाने के लिए ऊपर चढ़ता है, वैसे ही सारी की सारी मिट्टी छुटकर नीचे खुद ब खुद जमीन पर गिर जाती है। लेकिन इस जगह पर शुक्र था कि ये अपने सर के ऊपर की मिट्टी पहले ही छुटा चुका था। अगर इसके सर के ऊपर भी मिट्टी लगी होती तो शायद वो मिट्टी इसके सर पर भी जा गिरती। यहाँ पर ये सीमेंट का पोल एक क्रेन ड्राइवर की गलती की वजह से कार के ऊपर गिर जाता है, लेकिन ये पोल कार के सिर्फ बोनट पर ही जाके लगता है। अगर यही पोल कार की ड्राइविंग सीट के ऊपर गिरता तो शायद इस कार में बैठा कोई भी नहीं बच पाता, क्योंकि इस सीमेंट के पोल का वजन ही इतना ज्यादा था। तो गाइस, इस लकीस्ट कपल के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर इस ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक के एक बॉक्स को किस तरह से ब्रिज के नीचे से निकाल लिया, ये देखकर आप अभी चौंक ही गए होंगे। ट्रक ऊंचा होने की वजह से शायद ब्रिज के नीचे टकरा भी सकता था, लेकिन लकीली ट्रक ड्राइवर ने इस ट्रक के बॉक्स को आसानी से ब्रिज के नीचे से निकाल लिया। इसे देखने के बाद तो लगता है कि इस ट्रक को चलाने वाला ड्राइवर बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होगा। अब यहीं कुछ ट्रक ड्राइवर्स तो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कुछ ट्रक ड्राइवर तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं। जैसे यहाँ पर ये ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को निकाल कर ले जा रहा था, लेकिन ट्रक को निकालते समय इसने अपने ही ट्रक को एक पत्थर के ऊपर चढ़ा दिया। यहाँ पर ये सुपरस्टार अपने एक शो में एक लाइव परफॉर्मेंस देने के दौरान इसे कोई अपना पिया हुआ एक बियर का ग्लास फेंक के मारता है, लेकिन ये उसे कैच पकड़कर उसमें बची हुई बियर खुद पी लेता है। अब गाइस, नेक्स्ट वीडियो क्लिप है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि भाई इससे ज्यादा लकी तो और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। जहाँ पर ये एक डक मगरमच्छ के एक झुंड में चली जाती है, लेकिन वहाँ से भी ये दो मगरमच्छ को छेड़कर वापस आ जाती है और मगरमच्छ इस पर दोबारा अटैक भी नहीं करते हैं। तो गाइस, इस डक से ज्यादा लकी और कौन हो सकता है, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। गाइस, आपने बहुत सारी ऐसी मशीन्स को देखा होगा जहाँ पर इन लोहे की रॉड्स को बनाया जाता है। ऐसे ही एक फैक्ट्री में ये लोहे की रॉड बनाने वाली मशीन अपने अंदर से निकले हुए मेटल को बाहर फेंकने लगती है और इसी से एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बच जाता है। अगर ये थोड़ी देर और यहाँ रुकता तो ये लाल मेटल शायद इसी के ऊपर गिर जाता। यहाँ पर ये दो व्यक्ति बर्फ के गोलों को एक दूसरे को मारने के लिए फेंकते हैं, लेकिन लकीली ये दोनों गोले एक दूसरे से ही आपस में टकरा जाते हैं। इस घर में खड़ा व्यक्ति आराम से फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही ये यहाँ से सीढ़ियों पर खड़े होकर निकलता ही है, तभी अचानक से घर का वाटर टैंक फट जाता है और सारा का सारा ये रेड पानी बाहर निकल जाता है। इस बंदे की किस्मत अच्छी थी कि ये यहाँ से पहले ही भाग चुका था। अब यहाँ पर इस लेडी रिपोर्टर को देख लीजिए, जो कि रिपोर्टिंग करने में इतनी ज्यादा बिजी है कि ये ट्रैफिक को ही भूल चुकी है कि भाई ट्रैफिक नाम की भी कोई चीज होती है। ये लेडी रिपोर्टिंग करते करते रोड पर चली जाती है और फिर इसके बिल्कुल पास से ही एक ट्रक निकल के जाता है। ऐसे ही कुछ इस रिपोर्टर के साथ भी हुआ, जो कि सड़क के किनारे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा था और इसके बिल्कुल पास से ही बस निकल के जाती है। यहाँ पर ये लेडी एक पेड़ को कट कर रही होती है और पेड़ के कट होते ही ये बिल्कुल इनके मुंह के पास से ही होकर जाता है। अगर इस लेडी का फेस जरा सा भी आगे होता तो शायद ये पेड़ इनके ही मुंह में जा लगता। यहाँ पर ये कार ड्राइवर बहुत सारी कारों के बीच से अपनी कार किस तरह से निकाल कर ले जाता है, ये देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए किस तरह से ये कार ड्राइवर अपनी कार को इतनी सारी कारों के बीच में से आसानी से निकाल कर ले गया। और गाइस, हम सभी लोग मानते हैं कि जो बंदा रेस में एक बार पीछे हो जाता है वो कभी रेस जीत ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर इस रेस में तो ये बात बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई है। जहाँ पर ये सभी आगे चल रहे लोग अचानक से गिर जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से सबसे पीछे चल रहा लड़का आसानी से इस रेस को जीत लेता है। तो गाइस, इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद अब आप मान ही सकते हैं कि भाई लक नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे गाइस, आपको इन सभी वीडियो क्लिप्स में से सबसे बेस्ट वीडियो क्लिप कौन सी लगी, और क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा लकीएस्ट मोमेंट हुआ है जिसे याद करने के बाद आप कहते हो कि भाई ये मेरी लाइफ का सबसे लकीएस्ट मोमेंट था। अगर ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।